मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए तो लेडी पुलिस अधिकारी, साफ सफाई करने जाएगा तो लेडीज डिपार्टमेंट से ही कोई जाएगा। यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला की, लेडीज की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से ना तो कोई वहां एंट्री होगी, ना ही पुरुष का नाम वहां लिया जाएगा। दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वो लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे ही चल रही हैं। उसे बाकी बहुत सारी प्रार्थना की जरूरत है। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे ज्यादा कहें तो कम नहीं होगा। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहां का एक थाना है बनवाड़ी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, उसके माता और उसके पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली उनको तैयार करते हैं। ये 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी, रात के 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वो परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है, और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? तो लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद ये जो व्यक्ति है, लगभग जिसकी उम्र 30 साल थी, उसने अपनी उस दास्तां को सुना दिया, बता दिया और कहा कि वो अपने घर वालों की बिना मर्जी के यहां रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी, दोस्त नहीं आया इसलिए वो परेशान है। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रही थी, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वो यहां आना नहीं चाहता, वो शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया है, इसलिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की क्योंकि रो रही थी काफी देर से, उसके पास ना पीने के लिए पानी था, ना वहां आसपास उसे पानी की सुध थी, उसने उस ऑटो ड्राइवर ने उसको एक बोतल दे दी और उसका उसने पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे, अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो गश खाकर इससे पहले गिरती वो लड़का उसे ऑटो तक लेके पहुंच जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है, कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। वो 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वो नशे में थी, उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वो ऑटो ड्राइवर एक लॉज में लेके जाता है, वो एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में जब लेके जाता है तो वहां पर पहले से ही कुछ लड़के, कुछ और युवक इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे ये वाकया शुरू होता है और उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद, उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वो लड़की शर्मा रही है, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है, तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है, एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वो 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वो भूख से, प्यास से तड़पती रहती है। वो कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा भी रही थी तो ना जाने क्यों वो होटल मालिक या वह आसपास के लोग उन आवाजों को सुन ही नहीं पा रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार
इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली चीजें दी जा रही थी जिससे क्या वो शोर ना मचा सके। इस बीच उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही, उसे बचाने की गुहार लगाती रही। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद ये लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये आरोपी बारे ये फरार हो चुके थे, इन्होंने सोचा कि शायद अब वो लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां दो सफाई कर्मचारी मिलते हैं और दो सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो उन लोगों से बची थी कि दो सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जिस ट्रेन की जो दिशा थी वो उत्तर की ओर जा रही थी। कई सौ किलोमीटर का सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है, एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर पहुंची ही नहीं। वो बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी, उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी, ये भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। 48 घंटे से ज्यादा उसके साथ 12 अलग लोगों ने, दो सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की उस पर नजर ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था, अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। मगर वो लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करेगा। उस लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज जो था वो चंडीगढ़ ही था। अब वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक जगह बैठी होती है। मगर वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था, उसने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दुलारती रही, पुचकारती रही। एक मां की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की ने अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाकया जब बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और साथ ही जो अधिकारी, जो पुलिस वाला था, वो अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली भी थी कि किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवाड़ी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहां की भी बाकी बहुत अच्छी थी। बनवाड़ी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी CDR निकलवाई, उस इलाके के जितने भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़ी शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की है। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बानवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहां से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल के टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई है, घबराई हुई है। इसके बाद पुलिस ने जो अपने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है तो 100 से ज्यादा CCTV कैमरे को खंगाला गया और खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है, उसी में वो लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर उस CCTV में कैद हो जाता है। पुलिस ने उस आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि 12 के 12 लोगों को पकड़ा। उसके बाद
इस लड़की ने जो बताया था, अपना बयान दिया था दादर रेलवे स्टेशन का, उन दोनों सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है जो इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में या लगभग एक महीने में इस केस में निर्णय आना चाहिए और जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबको फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं उस पुलिस को जो जीआरपी पुलिस का सिपाही था, और मैं उस सैल्यूट करता हूं उस महिला को जिसने इस लड़की का दिल जीता, जिसने उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, और मैं सैल्यूट करता हूं उस पुलिस को जिसने इस मामले को मैच 5 या 6 दिन में ही खोलकर सबके सामने रख दिया। ये कहानी आपको ज्यादा न्यूज चैनल पर या फिर ज्यादा अखबारों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कम पूरी कर रही है। वाकई इस खबर को उठाने की जरूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की जरूरत थी, उस बेटी को न्याय दिलाने की जरूरत थी जो शायद मीडिया इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।